सो गाइस फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो चुकी है एंड ये परफेक्ट टाइम है हमारे लिए अगर हमको एक एआई वाला लैपटॉप या पीसी अपग्रेड करना है तो। मजे की बात यह है कि इस टाइम पे इंटेल के जो एआई वाले लैपटॉप्स हैं ना ये अनबीटेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है वो भी काफी सारे क्रेजी ऑफर्स के साथ। ऑन दी अदर हैंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो एआई लैपटॉप्स है ना ये सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि हमको फ्यूचर प्रूफिंग के साथ मिलते हैं क्योंकि हर तरफ आप देखोगे एआई घुसता चला जा रहा है एंड क्योंकि इन लैपटॉप्स के अंदर एआई वाले प्रोसेसर्स हैं तो हमको एक फ्यूचर रेडी लैपटॉप मिल रहा है वो भी अनबीटेबल प्राइसेस पे। कैन यू बिलीव फ्लिपकार्ट की इस सेल्स में आपको इंटेल कोर पावर्ड एआई वाले लैपटॉप सिर्फ 51,990 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे ऑफर्स हैं जैसे कि 20,000 तक का आप पुराना लैपटॉप यहां पे एक्सचेंज में दे सकते हो, अप टू 10,000 रुपीज सिलेक्ट कार्ड्स के ऊपर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है एंड साथ में 12 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल रही है। सो यस इस टाइम पे मैं इसको 100% रिकमेंड कर सकता हूं कि अगर आपको एक एआई लैपटॉप लेना है तो शायद ये एक बेस्ट टाइम है। नाउ काफी सारे लोग हैं जिनको एआई लैपटॉप्स के बारे में उतना डिटेल नहीं पता, उनके लिए यही एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल लैपटॉप वर्सेस एआई लैपटॉप में फर्क क्या है भाई। सो बेसिकली इंटेल के जो नए वाले कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स है ना उनको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि एआई टास्क्स अपने आप में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएं। सो इससे होगा क्या क्या, एक तो फास्टर परफॉर्मेंस मिलती है, 100 से ज्यादा ऐसी एप्स हैं जिनके अंदर आपको एआई पावर देने से बहुत फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, गेम्स के अंदर हाई एफपीएस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फोटोशॉप या प्रीमियर प्रो चलाते हो तो जो भी आपकी फोटो एडिटिंग का प्रोसेस है या वीडियो एडिटिंग का प्रोसेस है, जो इमेज जनरेशन का पूरा प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट हो जाता है एक एआई वाला प्रोसेसर होने से। नॉट जस्ट दैट, आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ इंक्रीज हो जाती है, हीटिंग इश्यूज सारे खत्म हो जाते हैं एंड परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। काइंड ऑफ पूरा हमारा वर्क फ्लो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एंड लैपटॉप अपने पीक पे बेस्ट पे चल रहा होता है। सो अब समझते हैं कि इन इंटेल के एआई वाले प्रोसेसर्स के अंदर ऐसा क्या है। सो इंटेल का जो प्रोसेसर है ना यहां पे आपको एक डेडिकेटेड एनपीयू देखने को मिलता है। एनपीयू मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। सो बेसिकली एक सीपीयू होता है, एक जीपीयू होता है एंड ये तीसरा है एनपीयू। ऑल्दो एआई वाले टास्क सीपीयू एंड जीपीयू कर पाते हैं लेकिन ये डेडिकेटेड चिप इसलिए लगाई जाती है जिससे ये एआई वाले सारे कामों को हैंडल कर पाए एंड बहुत एफिशिएंटली कर पाए जो सीपीयू और जीपीयू कर पा रहे थे। सीपीयू जीपीयू से ना एक तरीके से पूरा ऑफलोड हो जाता है सारा वर्कलोड एंड अकेला एनपीयू ही उसको हैंडल कर लेता है। यहां पे ना इंटेल की एक एआई बूस्ट भी इन प्लेस काम कर रही है टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली एक इंटीग्रेटेड एआई इंजन है जो लो पावर एआई एक्सेलरेशन का काम कर रहा होता है। इससे क्या होता है, इससे जो आपकी आउटपुट है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो इन प्रोसेसर्स में ना इंटेल का एक 3D परफॉर्मेंस हाइब्रिड आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है जो बेसिकली तीन टाइप ऑफ अलग अलग कोर्स को एक साथ लेके चलता है। पहला है पी कोर्स यानी परफॉर्मेंस कोर्स। ये कोर्स तब काम आते हैं जब कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा लग रही होती है। सेकंड है ई कोर्स यानी एफिशिएंसी कोर्स। ये बेसिकली तब काम आएंगे जब लो पावर वाले टास्क हैं एंड एक अच्छी एफिशिएंसी निकाल के देनी है। इसके बाद तीसरा एक नए टाइप का कोर है जिसका नाम है लो पावर एफिशिएंट कोर। ये बेसिकली और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है पावर एफिशिएंसी के लिए। तो ये कब काम आएंगे, कोई भी हमारा जब बैकग्राउंड टास्क चल रहा होता है या फिर किसी दूसरे कोर पे हैवी प्रेशर पड़ रहा है तो वहां से ऑफलोडिंग करने के लिए ये वाला कोर काम में आते हैं। अब देखो ये जो एआई है ना ये सिर्फ हार्डवेयर का नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का भी उतना ही रोल है क्योंकि इंटेल ने 100 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप करी है टू डिलीवर 300+ एआई एनहांस्ड एक्सपीरियंसेस जो सारे के सारे तरीके ही चेंज कर देंगे जैसे हम क्रिएट करते हैं, जैसे हम काम करते हैं, कुछ भी कॉन्टेंट क्रिएशन होता है सब कुछ बदल जाएगा। सिंपल टर्म्स में समझोगे तो जितने भी सॉफ्टवेयर के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है ना लाइक अडोबी फोटोशॉप हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया, ऑडेसिटी, लूमिनार, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो इन वाले प्रोसेसर्स पे वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट इंटेल का जो ईवो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर एक कंप्लीट हमको कन्वीनियंस वाली चीजें मिल जाती है जैसे कि क्विक बूट, फास्ट चार्जिंग एंड ऑल डे बैटरी लाइफ। तो भले आप एक स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो इंटेल कोर अल्ट्रा पावर्ड पीसीज जो आपको ऑफर कर रहे हैं एक्सेप्शनल स्पीड, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। सो चलो अब सीधा चलते हैं फ्लिपकार्ट पे, देखते हैं कौन कौन सी डील्स अवेलेबल है एंड लेट्स हैव अ लुक। एमएसआई का प्रेस्टीज 14 ईवो AI PC, मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग यहां पे लगा दे रहा हूं आपके लिए। सो ये एक Intel Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है जिसके अंदर हमको Intel Core Ultra का 125H प्रोसेसर मिलता है। इसके अंदर आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी भले ही कितनी हैवी सॉफ्टवेयर चला रहे हो। ये लैपटॉप 16GB RAM एंड 1TB SSD के साथ आता है एंड ऑल्सो यहां पे MSI का इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी मिल रहा है जो ऑटोमेटिकली ट्यून कर देता है हार्डवेयर को अकॉर्डिंग टू आपकी नीड्स। इंटरेस्टिंगली इस लैपटॉप में आपको Wi-Fi 7 मिल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना जो स्पीड रहेगी वो 56.8 GBPS तक की। नेट स्लो पड़ जाएगा आपको, इसके लैपटॉप स्लो नहीं पड़ेगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट जो डिस्प्ले है वो 16:10 की रेशो में मिलता है एंड जो बैटरी है वो 90 वॉट आवर की है एंड जो पैकेज है वो कंप्लीट कर देते हैं इसके फुल रेंज ऑफ पोर्ट्स या कनेक्टिविटी जो आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलती है
एक प्रोफेशनल गुड टू गो लैपटॉप है, डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सो अगला लैपटॉप पे चलते हैं, तो ये है Asus का ZenBook 14 OLED एंड ये Intel Core Ultra 7 का 155H प्रोसेसर यहाँ पे यूज है, जो कि एक 16 कोर का प्रोसेसर है। इस लैपटॉप का डिजाइन काफी स्लीक एंड मॉडर्न दिख रहा है एंड यहाँ पे 14 इंच का 3K लुमिना OLED डिस्प्ले मिल रहा है। Asus का OLED वाली सीरीज आपको पता है जबरदस्त होती है। ऑन द टॉप ऑफ दैट ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास NBT से कवर्ड है एंड जो यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया एंड क्रिएशन का एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। इसके डिस्प्ले में आपको वेसा डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 500 सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसका मतलब HDR का एक्सपीरियंस बहुत ही टॉप नॉच है एंड साथ में इसको कपल करने के लिए है फुल HD वेबकैम, जो कि इंश्योर करेगा कि आप अगर प्रोफेशनल मीटिंग्स में हो तो आप बहुत ही सुंदर देखो और क्लियर HD में देखो। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेशियल रिकॉग्निशन है एंड कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे वाईफाई एंड सारे के सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। 16 GB की रैम, 1 TB की स्टोरेज आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगी, तो मेक श्योर आप ये वाला लैपटॉप चेकआउट जरूर करना। लिंक्स जितने भी हैं इन लैपटॉप्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, मेक श्योर यू चेक देम आउट। सो अगले लैपटॉप पे चलते हैं, तो ये है Samsung Galaxy Book 4 Pro। ये स्पेसिफिकली टारगेटेड है प्रोफेशनल्स एंड क्रिएटर्स के लिए। यहाँ पे अगेन इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर है, जो कि 16 GB रैम एंड 512 GB की स्टोरेज के साथ मिलता है। स्टोरेज यहाँ पे जितने भी लैपटॉप्स की मैं बात कर रहा हूँ सबके सब SSD वाले ही हैं। जो प्रोसेसर की पावर है वो आपको डेफिनेटली AI रिलेटेड टास्क के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो 14 इंच की AMOLED है, जो कि 120Hz की रिफ्रेश रेट ऑफर कर रही है एंड ऑडियो के लिए यहाँ पे आपका बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि AKG ट्यून स्पीकर्स हैं यहाँ पे। सिक्योरिटी के लिए यहाँ एक डेडिकेटेड चिप है, फिंगरप्रिंट रीडर है, फेशियल रिकॉग्निशन है एंड क्योंकि लैपटॉप सैमसंग का है तो आपको एक सैमसंग के इकोसिस्टम में यहां पे एंट्री मिल जाएगी, जस्ट लाइक अदर ब्रांड्स यहाँ पे अपना एक इकोसिस्टम बनता है एंड उसके पूरे पूरे मजे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर एक सैमसंग का फोन है तो उसको एज अ वेबकैम यूज कर लो अपने लैपटॉप में, समझ गए ना। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लैपटॉप, यहाँ पे जो लिस्टिंग है ये है Acer Swift Go 14 एंड इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो अगेन Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर है एंड साथ में ग्राफिक के लिए Intel Arc ग्राफिक्स। इस लैपटॉप में आपको 14 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जो कि 16:10 IPS डिस्प्ले है एंड कलर्स बहुत ही ज्यादा विविड मिलेंगे, डीप ब्लैक्स, क्रिस्प इमेज क्वालिटी एंड एक टच स्क्रीन का भी ऑप्शन है अगर आपको उंगली करने की आदत है तो। कनेक्टिविटी यहाँ पे भर भर के मिल रही है, जैसे कि USB 3.2, USB-C, HDMI, Wi-Fi 7 एंड माइक्रो SD स्लॉट। ये एक स्लीक एल्यूमिनियम बॉडी में आता है, 180 डिग्री पूरा का पूरा इसका हिंज जो है वो फोल्ड हो जाता है एंड जो टच पैड है ना इसका वो नॉर्मल लैपटॉप से थोड़े बड़े साइज का आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो एक एडेड बेनिफिट है जो दूसरे लैपटॉप्स में आपको नहीं मिलता वो ये कि इसके अंदर आपको एक 1440p का QHD वेबकैम मिलता है। मैक्सिमम लैपटॉप जितने भी है मार्केट में सब में आपको फुल HD से ऊपर नहीं मिलता है, लेकिन यहां पे आपको एक स्टेप ऊपर 1440p के साथ में प्रिवेसी शटर भी मिल रहा है। ऑल्सो ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, अगर Acer की सेंस ऐप यूज करते हो तो उससे भी काफी सारी कस्टमाइजेशन हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज Lenovo IdeaPad Slim 5 एंड ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली AI लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे भी अगेन Intel Core Ultra 5 125H प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 512 GB का स्टोरेज मिल रहा है, परफॉर्मेंस काफी तगड़ी, डिजाइन काफी स्लीक है एंड यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको 14 इंच की IPS डिस्प्ले मिलता है, WUXGA रेजोल्यूशन। पता जब इस तरीके की डिस्प्ले को एक Dolby Atmos सपोर्टेड स्पीकर्स के साथ कपल कर देते हैं तब जाके बनता है IdeaPad Slim 5। यहाँ पे Lenovo का AI इंजन भी मिल रहा है, जो कि आपके AI एक्सपीरियंस को और बेटर करने के लिए है एंड फुल HD IR वेबकैम आपको इंक्लूडेड होके मिल रहा है, प्रिवेसी शटर यहाँ पे भी मिलेगा, वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ में सारे जो भी जरूरी कनेक्टिविटी पोर्ट्स हैं सब कुछ ऑन द बोर्ड मिलता है। एंड फाइनली जो लास्ट लैपटॉप इन द लिस्ट है वो है HP का NVX360 एंड यही लैपटॉप है जो मैं यूज भी कर रहा हूँ। ये बेसिकली 2-in-1 वाला AI लैपटॉप है जो एक टैबलेट भी बन जाता है एंड बहुत ही बढ़िया काम करता है एंड ये ना स्पेशली टारगेटेड है उन प्रोफेशनल्स पे जो ऑन द मूव रहते हैं, जिनको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए एंड पावर भी। ये पावर्ड है इंटेल अल्ट्रा कोर 125U प्रोसेसर के साथ, जिसमें आपको 2 P-cores, 8 E-cores एंड 2 LPE-cores मिलते हैं। इसकी कॉन्फिगरेशन है 16 GB रैम, 512 GB की SSD, जो मेरे आधे से ज्यादा कामों को इजिली हैंडल कर लेता है। डिजाइन इसका काफी स्लिम है, काफी रगेड है एंड इसके अंदर 5 MP का वेबकैम भी इंक्लूडेड है। डिस्प्ले इसकी 14 इंच 2.8K OLED डिस्प्ले, जिसका हिंज इतना फ्लेक्सिबल है जो इस लैपटॉप को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है। आपको पता है इस लैपटॉप पे IMAX एनहांस्ड कंटेंट भी चल सकता है, इवन जो इसके स्पीकर्स हैं वो भी ट्यून्ड है बाय पोली स्टूडियोज, तो मूवीज एंड शोज को देखते हुए बात उस टाइम कुछ और ही चल रही होती है। सो ये कुछ थे आज के सारे लैपटॉप डील्स जो कि आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। डोंट फॉरगेट यहाँ पे इंटेल के AI पावर्ड लैपटॉप सिर्फ 51,990 से स्टार्ट हो रहे हैं, भाई अपने आप में एक ऑफर है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आप पुराने लैपटॉप्स को एक्सचेंज कर सकते हो अप टू 20,000 रुपीज
ऑफ हो जाएगा। सिलेक्टेड कार्ड्स पे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट अप टू 10,000 रुपीज वो अलग मिल रहा है, साथ में आपको 12 महीने के नो कॉस्ट ईएमआई के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। एक और मजे की बात बताऊं, अगर आप एक इंटेल कोर अल्ट्रा लैपटॉप लेते हो ना तो आपको 36,000 रुपीज वर्थ का एक अमेजिंग क्रिएटर सॉफ्टवेयर बंडल एब्सोल्युटली फ्री में मिलता है। तो देर मत करो, सीधा फ्लिपकार्ट पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जाके चेकआउट करो एंड आज ही अपग्रेड करो अपने लैपटॉप को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, स्टे सार्कास्टिक एंड गुड बाय।